हेलो फ्रेंड्स, बटनेर एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर आज आप सब्सक्राइबर का सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। फिर से नए टॉपिक के साथ गोट फार्मिंग का ये वीडियो लेकर आए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस ब्रीड जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है, कौन सी ब्रीड हमें गोट फार्मिंग में पालनी चाहिए, किस ब्रीड से गोट फार्म स्टार्ट करना चाहिए जिससे हम लोग अपने बिजनेस में से ज़्यादा इनकम कर सकें, प्रॉफिट ले सकें, कम खर्चे के अंदर ज़्यादा बकरियों को पाला जा सके, किस एरिया में कौन सी ब्रीड रखनी चाहिए। नॉलेज भरा वीडियो होगा, वीडियो के एंड तक बने रहें। आपको हमारे चैनल से ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप जो सब्सक्रिप्शन करते हैं उससे हमें बड़ा अच्छा मोटिवेशन मिलता है, हम नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि डेली आपके लिए कम से कम एक जानकारी भरा वीडियो लेकर आएं। हमारे साथ युवा बकरी पालक, एक सफल युवा बकरी पालक जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा नाम है उनका, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है सद्दाम हुसैन। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाईजान, हमारे सब्सक्राइबर को हमने टॉपिक बताया है कि किस ब्रीड के ज़्यादा फायदेमंद है, किस एरिया में कौन सी पालनी चाहिए, पूरा एक नॉलेजेबल वीडियो है। तो थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताएं आप कि किस तरह से गोट फार्मिंग शुरू करनी चाहिए। सर, अपने बात कर रहे थे कि नस्ल ऐसी रखो जिससे अपने को अच्छा प्रॉफिट हो, अच्छा इनकम हो अपनी। तो अपने बात करते हैं, सबसे पहले अपना प्लस पॉइंट, पहला पॉइंट ये आता है कि एरिया के हिसाब से ब्रायलर लाइन रखो। और उससे पहले अपने को ये देख रहे हैं, नस्ल ऐसी रखो अपने एरिया के हिसाब से कि सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है, कुर्बानी। कुर्बानी के टाइम में अपना बकरा ब्रीडर ऐसा बने, पंच करवा के छोड़ने जो अपने को कुर्बानी के टाइम अपना माल बिक सके, ठीक है। जहाँ पे मोमडन एरिया आता है, जिस एरिया में आसानी से अपने जानवर बेच सके। वैसे मुंबई साइड में, काफ़ी अहमदाबाद साइड में जानवर जाते हैं अपनी सहूलियत के लिए कि कम अपने समय में अपना जानवर बिक जाए, कम मेहनत करनी पड़े। उसके बाद बात करते हैं, नस्ल ऐसी रखो जो अपने एरिया में, जैसे पंजाब में पंजाबी ब्रीड मशहूर है और पंजाब के साथ जैसे हनुमानगढ़ राजस्थान में और गंगानगर में पंजाबी ब्रीड है, अपने यूपी में बर्बरी है और जोधपुर में ये अपनी सोजत है, जैसे सीकर में या अजमेर में गुजरी और जयपुर में सिरोही नस्ल या हैदराबादी में हैदराबादी नस्ल होगी। तो अलग अलग नौ गुजरी वगैरह काफ़ी नस्ल है लोग। अब आप देखिए, मेरे फार्म पे बिटल बर्बरी मिलेगी आपको और दूसरी कोई भी नस्ल नहीं, क्योंकि मेरे फार्म में जिसकी डिमांड है वही नस्ल है, क्योंकि यहाँ से बर्बरी जाएगी सीधी यूपी के लिए। बिटल है, मेरे लोकल एरिया में बिक जाएगी, बर्बरी भी मेरे लोकल एरिया में बिक जाएगी। इस चीज़ का अपने ऐसी नस्ल रखो जो अपने लोकल भी बिके और बाहर भी बिके, दोनों चीज़। मतलब कुल मिला के बात यह कि पहले टारगेट अपने लोकल को रखना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि मार्केट आसपास का नहीं होगा तो बाहर की पार्टियां तो पता नहीं कब आएंगी, लोकल का आदमी जुड़ा हुआ ना जरूरी है। इसमें क्या है कि सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, लोग क्या कहते हैं वातावरण को देख के बाहर निकलते हैं। बाहर की पार्टी एरिया के हिसाब से आती है, यार आगे बारिश हो रही है, क्योंकि सावन के महीने में एक डेढ़ महीना बारिश होती है। सर्दी आ गई तो दो तीन महीने सर्दी पड़ती है, फुल गर्मी की बात है दो तीन महीने गर्मी। तो बाहर का बंदा इतना वो सिस्टम देख के बाहर निकलता है कि यार वहाँ से अपने माल लेके आएंगे। तो अपनी ब्लड लाइन ऐसी रखो, सर्दी में भी अपना माल बिके, गर्मी में भी बिके, बारिश में बिके। लोकल का बंदा है जिसको शौक करना, एक दो लेके गया, अपना भी बिजनेस चल रहा है और दूसरे का शौक हो रहा है। जैसे कि हम इस वीडियो में ब्रीड के ऊपर बात कर रहे थे, अभी जैसे किसी को गोट फार्म स्टार्ट करना हो तो कितनी बकरियों से शुरू करना चाहिए? सर, सबसे पहले बात अपनी यहाँ पे आती है कि जैसे कोई किसी भाई ने, आज के टाइम में लोन का अच्छा बिजनेस चल रहा है, कोई लोन लेके बकरी पालन करते हैं, या कोई सरकारी संस्था से रिटायर हो जाते हैं या सरकारी संस्था से जुड़े होते हैं, तो उनके लिए बकरी पालन एक करना आसान हो जाता है। क्यों सर, उनके पास अच्छा पैसा होता है तो उसको 10 की जगह 20, 30, 40, 50 जानवर भी रख सकते हैं। तो अगर कोई नॉर्मल किसान अगर बकरी पालन करता है तो 10 बकरियों से ही करे, एक बकरा रखे। अगर उससे भी छोटी किसी की 20, 50, 40 हज़ार रुपये की इनकम है तो 2-4-5 जानवर से बकरी पालन स्टार्ट कर सकता है। किस तरह के बकरियों से? और प्लस पॉइंट क्या है सर, कि उससे पहले बकरी पालन करने से पहले अपने को थोड़ा ये ध्यान में रखना पड़ेगा, बकरी पालन करने से पहले
कि अपना शेड तैयार कितने बाई कितने का है, कैसा शेड तैयार किया है, उसमें गर्मी सर्दी बारिश की फुल व्यवस्था होनी चाहिए जानवर रुकने की, और कितने जानवर शेड में अपने रोक सकते हैं वो एक ध्यान में रखना है। पूरे साल का फीड मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पूरा टाइम ग्रेजिंग के लिए बाहर लेके जाएंगे। आपको भी पता कि बारिश का मौसम, सर्दी के मौसम में, अन्य जब लोग खेती भी बुआई कर लेते हैं तो जानवर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो फार्म पे फीड खर्च आपको देखना है, स्टोर करना पड़ेगा। उसके अलावा आप जितनी भी पेमेंट आपके पास बची है तो आप बकरियां ले लीजिए। तो 10 बकरियों से बिजनेस करना मेरे हिसाब से अच्छा है, एक बकरा लगा के आप बिजनेस कर सकते हो। जैसे बकरी पालन में अपने किस तरह की बकरियों से शुरू करना चाहिए, जैसे आपने बताया कि 10 बकरियों से शुरू करना चाहिए, लेकिन बकरियां लेनी किस तरह की चाहिए? सर, सबसे पहले अपने को बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने का पहला पॉइंट तो ये है कि अपने को यंग बकरी लेनी पड़ेगी। यंग बकरी अगर आप शौकिया तौर से काम करते हो तो जैसे 7-8 महीने 10 महीने की अदंत फीमेल लेना चाहते हो वो ले लो, या फिर मैं कहता हूँ 2 और 4 दांत की प्रेगनेंट बिटल बकरियाँ लो, या कोई भी नस्ल है जैसे बर्बरी है, सोजत है, सुरोही है, हैदराबादी है, तो अपने एरिया के हिसाब से 2 और 4 दांत की यंग बकरी लो जो आपके फार्म पे अच्छा टाइम तक रुके, अच्छा बेनिफिट दे, और नई बकरी अच्छी हेल्थी सुंदर क्वालिटी में दिखती है सर। तो आप ऐसी बकरी लोगे तो आपका फार्म भी सक्सेसफुल होगा और काफ़ी टाइम तक ऐसी मरे। वैसे तो उम्र का कोई पता नहीं है, किसी का कोई पता नहीं, यंग बकरी की भी डेथ हो सकती है और बूढ़ी की भी हो सकती है, अपने को अनुभव हो जाता है कि ये बकरी की थोड़ी एज है, अपने फार्म पे अच्छा बेनिफिट देगी। और ब्रीडर किस तरह से रखना चाहिए? ब्रीडर सर कम से कम 6 दांत का आप रखिए फार्म के लिए, मतलब बड़ा ब्रीडर, बड़ा ब्रीडर रखना पड़ेगा, अच्छी हाइट, अच्छी क्वालिटी। अगर आप बकरी नॉर्मल ले सकते हो चल जाएगी, ब्रीडर एक नंबर ही क्वालिटी का आपको रखना पड़ेगा, मतलब ब्रीडर जो है वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, बकरियां जो 19-20 चल जाती चल जाएगी सर, क्योंकि रिजल्ट ब्रीडर पे ही आना है, ब्रीडर ने देना रिजल्ट। तो इस तरह आप अगर बकरी पालन करते हो, स्टार्ट करते हो, तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। आपको फार्म में कभी भी ये सुनने के नहीं आएगा कि भाई मैंने फार्म किया था और लॉस में चल रहा हूँ तो फार्म बंद करना पड़ रहा है, वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे सद्दाम हुसैन, जिन्होंने बताया कि किस तरह के ब्रीड से शुरू करना चाहिए, किस तरह का एरिया में कौन सी ब्रीड पाली जाती है, किस तरह की बकरियाँ बकरी पालन में लेनी चाहिए, अडल्ट लेनी चाहिए, गैबन लेनी चाहिए। तो आपको ये जानकारी वीडियो के माध्यम से दी है, हमको आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। जो गोट फार्मिंग में नए पर्सन आने चाहते हैं, कोई आपका दोस्त रिश्तेदार हो तो उनको वीडियो शेयर करें, और आपका कोई सुझाव हमें हो जिस पर आप जानकारी चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे, और आपके लिए ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो लाते रहेंगे। आप इस लास्ट वीडियो के एंड तक बने रहें, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहो हमारे साथ, धन्यवाद आपका।